सिंह, आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज के बारे में। जैसे वाउचिंग आपको अच्छी तरह समझाया था, वैसे ही आपके सामने ये वीडियो शानदार बनने वाली है। वेरिफिकेशन अगर आपने इस वीडियो में देख लिया तो आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, तो बने रहो मेरे साथ। वेरिफिकेशन सबसे पहले आपको वाउचिंग समझना पड़ेगा। वाउचिंग को अगर आपने नहीं देखा है तो इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बना रखी है, तो इस वीडियो को जाके जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई कार्ड पे भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले वाउचिंग क्या होता है? वाउचिंग मीन्स एंट्रीज को एग्जामिन करना, एंट्रीज को देखना और उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ है कि नहीं है। तो जैसे हमने वाउचिंग कर ली, हमें भी पता चलता है कि एंट्री सही है या नहीं है। लेकिन क्या जो एसेट और लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट में लिखे हुए हैं, हम कैसे मान लें कि वो सही है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? आप कहोगे वाउचिंग से, नहीं ऐसा कर सोस, ये बिल्कुल सही नहीं है। वाउचिंग से कभी भी आप एसेट और लाइबिलिटी को सर्टिफाई नहीं कर सकते कि वो सही है या नहीं है। आइए देखते हैं क्यों। मान लो कि मेरे पास एसेट है जो मैंने 1 अप्रैल 2019 को ख़रीदा, 5 लाख की वैल्यू थी। अब मैंने इसका, मेरे पे वाउचिंग से मेरे पे इसका रिसिप्ट या कहे उसका बिल मेरे पे है जिससे मैंने एंट्री चढ़ाई, तो वो बिल्कुल सही है। लेकिन साल ख़त्म होते होते 31 मार्च 2020, अभी तो आया नहीं है वैसे, अगर मान लो इस एसेट की वैल्यू 4 लाख होगी, ठीक है, और ये एसेट मैंने उसी टाइम बेच दिया। अब वाउचिंग से तो आप पता सोचोगे कि भाई 5 लाख का एसेट खरीदा था, आपने बैलेंस शीट में डाल दी एसेट साइड पे 5 लाख, तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है ये, क्योंकि आपने बेच दिया है। लेकिन आप कहोगे वाउचिंग से, तो फिर वाउचिंग से कैसे पता लग गया? वाउचिंग से सिर्फ आपको पता चलता है एंट्री सही है या नहीं है, लेकिन एसेट बैलेंस शीट डेट पे क्या वो पड़े है या नहीं है, ये कैसे पता चल जाएगा? ये सिर्फ पता चलता है वेरिफिकेशन से। वेरिफिकेशन का यही होता है कि एसेट या लाइबिलिटी को वेरीफाई करना कि वो एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन के पास है या नहीं है। इसमें हम तीन चार चीज़ों पर फोकस करते हैं। एक तो उसकी एग्जिस्टेंस, क्या वो सच में उस टाइम पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में, क्या वो सच में जो लिखा हुआ है क्या ऑर्गेनाइजेशन में सच में है। दूसरा करते हैं इसकी ओनरशिप पे, कि जो कंपनी के पास जो एसेट है वो उसी का है ना, किसी और का नाम तो नहीं है, उसके ही नाम होना चाहिए। सिर्फ पोजेशन नहीं, ओनरशिप, एग्जिस्टेंस, पोजेशन, और कोई भी इसमें चार्ज तो नहीं है ना। कोई एसेट पे चार्ज हो सकता है, जैसे कि डिवेंचर्स एसेट पे चार्ज कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि एसेट जो है वो कभी भी बिक सकता है कभी भी, तो ऑर्गेनाइजेशन पे कोई इसका हक नहीं है। चौथा देखते हैं हम उसकी वैल्यूएशन, ठीक है, उसकी वैल्यूएशन भी सही होनी चाहिए। तो ये है वेरिफिकेशन में हम ये तीन चार चीज़ों पे फोकस करते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब फिर क्या हुआ, आइए देखते हैं। वेरिफिकेशन इज अ टेक्निक ऑफ ऑडिटिंग, सबसे लास्ट टेक्निक है ये ऑडिटिंग की, जिसमें हम सब कुछ देख के हम सीधा हम ऑडिटर सर्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि एसेट अब बैलेंस शीट को कि क्या वो सही है। इन विच ऑडिटर सर्टिफाइज द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, सर्टिफाई एसेट एंड लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में लिखी हुई है उसको सर्टिफाई करता है, उसकी ट्रूथफुलनेस सर्टिफाई करता है बाय एक्चुअल चेकिंग, या बाय खुद चेक करता है पर्सनली कि क्या वो देखेगा ऑर्गेनाइजेशन में सच में पड़े हुए, या फिर कोई भी एनी अदर टेक्निक। तो वेरिफिकेशन मतलब है कि वेरीफाई करना एसेट और लाइबिलिटी को, उसकी चेक करना एग्जिस्टेंस, उसकी ओनरशिप, उसके चार्ज या वैल्यूएशन बाय एक्चुअल चेकिंग खुद या फिर किसी और टेक्निक की वजह से। एसेट का मतलब यानी कि वेरिफिकेशन में हम ये समझते हैं कि एसेट या और लाइबिलिटी एक सबसे पहले फ्री ऑफ चार्ज हो, कोई भी उसके ऊपर चार्ज नहीं होना चाहिए किसी क्रेडिटर का कोई भी, उसकी वैल्यूएशन प्रॉपर हो, वैल्यूड प्रॉपरली, ठीक है, उसके पास एग्जिस्टेंस, उसकी ओनरशिप,
ओनरशिप और एग्जिस्टेंस कंपनी के पास हो, ठीक है। ये इसमें हम टोटल मिला के देखते हैं, समझते हैं। और इस वेरिफिकेशन में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है स्पाइसर और पेगलर में, जिसमें वही बता रखा है कि वेरिफिकेशन ऑफ एसेट इंप्लाइज एन इंक्वायरी, इंक्वायरी करना वैल्यू को, वैल्यू समझना, ओनरशिप टाइटल को समझना, एग्जिस्टेंस को समझना और चार्ज को समझना। आइए इसका थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश करते हैं। आइए, मैंने ना एक फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, फर्नीचर खरीदा है मैंने, अगर मान लो 5 लाख रुपये फर्नीचर खरीदा है मैंने, वो खरीदा मैंने 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है। तो वाउचिंग पे उसके मेरे साथ रिसिप्ट आई है और मैंने उसकी एंट्री चढ़ा दी है और मेरे को पता लगा कि एसेट जो है वो अब सही है, 5 लाख का ही है और मेरे को पता चल गया, ठीक है। तो बैलेंस, तो अगले साल 31 मार्च 2019 को कंपनी की बैलेंस शीट बनी, जिसमें एसेट 5 लाख का लिखा हुआ है, क्योंकि वाउचिंग से मैंने हमने कर रखा है, हमारे उसका बिल भी अब एंट्री वही हो रखी है। लेकिन हुआ गया, बीच में 31 दिसंबर 2018 को वो एसेट हमने बेच दिया, 5 लाख का एसेट हमने बेच दिया 6 लाख में, और एक नया एसेट खरीद लिया 1 जनवरी को 2018 की 1 लाख का। अब एसेट तो इसमें भाई के बैलेंस शीट में 5 लाख का लिखा हुआ है, तो इससे पता चला, तो ऑडिटर ने बताया देखो ऐसा है, वाउचिंग से सिर्फ हम एसेट की वैल्यू या एसेट को बैलेंस शीट को प्रॉपर सर्टिफाई नहीं कर सकते, हमें इसका पूरा प्रॉपर चेकिंग करनी होगी। तो ऑडिटर ने क्या करा, उसको अच्छे से चेक किया, और इसका मतलब उसने क्या चेक किया, एक तो उसकी वैल्यूएशन, क्या पता डेप्रिसिएशन लग गया हो, कम होगी वो वैल्यू, वो भी हमने करा नहीं। एक उसकी जो चेंज इन एसेट होते हैं, यानी कि जो मैंने खरीदा बेचा उसमें जो चेंज हुआ है वो भी तो उसमें दिखाना चाहिए, वो नहीं दिखा रखा। और क्या पता एग्जिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन में हो ही ना फर्नीचर, फर्नीचर ऑर्गेनाइजेशन में हो ही ना, कहीं और पड़ा हो, तो ये भी चेक करना पड़ेगा। और कोई चार्ज तो ना है, कोई चार्ज भी नहीं होना चाहिए फर्नीचर पे। और क्या पता हमने ये लीज पे खरीदा हो, क्या पता हमने रेंट पे खरीदा हो, ओनरशिप भी चेक करनी पड़ेगी। तो ये होता है वेरिफिकेशन, जब ऑडिटर खुद चेक करता है एसेट और लाइबिलिटी इन सब फैक्टरों को देखते हुए कि वो ऑर्गेनाइजेशन में सच में बैलेंस शीट की डेट पे वो है या नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ ऑडिटिंग, जैसे वाउचिंग के बिना ऑडिटिंग नहीं होती, वैसे ही वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के बिना ऑडिटिंग कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है। तो वेरिफिकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑडिटिंग का, और सही माने में वेरिफिकेशन में सब कुछ आता है, वाउचिंग और वैल्यूएशन, ठीक है। वैल्यूएशन में हम एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, और ये एक्सपर्ट की मदद से ही कर सकते हैं, लेकिन वाउचिंग खुद करता है ऑडिटर, ठीक है। और थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस समझना चाहिए वाउचिंग और वेरिफिकेशन में, वाउचिंग और वेरिफिकेशन का पार्ट ही है अगर कोई पूछे, ठीक है। वेरिफिकेशन में सब कुछ आता है एसेट लाइबिलिटी का, जब हम वेरीफाई करेंगे तो सबसे पहले वो भी से देखेगी कि एंट्री बुक में है या नहीं है, तो वो वाउचिंग से ही हो सकती है। तो जैसे वाउचिंग ऑडिटिंग का पार्ट है, वेरिफिकेशन तो उससे भी बड़ा पार्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्यों क्यों करते हैं हम वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन करते क्यों है इसको समझिएगा। सबसे पहले चेकिंग ऑफ अर्थमेटिक एक्यूरेसी, ठीक है, जिसमें हम उसका एसेट की अमाउंट चेक करते हैं कि क्या वो सही है, उसकी पोस्टिंग चेक करते हैं रिलेटेड, उसकी टोटलिंग चेक करते हैं, जिसमें हम सब देखते हैं कि उसकी अमाउंट सही है कि नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका सच में एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, क्योंकि तो क्या होता है कि कभी कभार हम एसेट तो लिख दिया है लेकिन कभी कभार वो डिस्ट्रॉय हो गया, कोई आग लगी फैक्ट्री में तो सारे गुड्स ख़राब हो जाएगी, कभी कभार हम उस एसेट को किसी को चार्ज लीज पर दे देते हैं, तो
उसके चेक करते हैं कि बैलेंस शीट डेट पे सच में वो ऑर्गेनाइजेशन पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। उसको हम चेक करते हैं ओनरशिप और टाइटल कि वो कंपनी का सच में कंपनी का ही है ना, किसी और का तो नहीं है। क्योंकि कई बार हम लीज पर ले लेते हैं या हायर परचेज एग्रीमेंट हमने सुना होगा उस पर ले लेते हैं, जिसमें ओनरशिप बाद में ट्रांसफ़र होती है। तो ओनरशिप कंपनी के पास होनी चाहिए ना कि बाद में। नॉलेज ऑफ फ्रॉड और रेगुलेटरी उसकी पता चलती है, क्योंकि हम ऑडिटर ऑडिटिंग करेंगे, एसेट को चेक करेंगे, कुछ भी अगर गड़बड़ी कुछ कर रखी है किसी ने भी वो भी पता चल जाएगा। और प्रॉपर वैल्यूएशन, क्योंकि कभी कभी वैल्यूएशन ढंग से नहीं होती, कभी डेप्रिसिएशन आप चार्ज नहीं करते, बुक के और कॉस्ट वैल्यू मार्केट वैल्यू पे चेक करा देता है बड़ा तगड़ा, उसमें आप नहीं करते, तो उसलिए वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेन एम ऑडिटिंग क्या होता है कि ट्रू और फेयर व्यू बैलेंस शीट और पी एल एन अकाउंट का देना। और बैलेंस शीट का कैसे दे सकते हैं, सिर्फ वेरीफिकेशन की वजह से। तो वेरीफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू डिटरमाइन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बैलेंस शीट, रियल पोजिशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसेट एंड लायबिलिटी की आखिरकार क्या पोजिशन है वो वाउचिंग से नहीं पता चलती। वाउचिंग से सिर्फ हम एंट्री चेक कर सकते हैं कि क्या वो सच में है या नहीं है, लेकिन हम असली जो वेरीफिकेशन चेक होगा वो हुआ है वेरीफिकेशन से, जिसमें एसेट और लायबिलिटी का सब कुछ पता चल जाएगा कि कोई भी एसेट लायबिलिटी ऐसा ना हो जिसमें चार्ज वगैरह हो। तो रियल पोजीशन चेक हो जाएगी एसेट और वेरीफिकेशन से। तो ये है वेरीफिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको समझ आया, मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मज़े लेना ज़िंदगी के। थैंक यू सो मच।